अब आगे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पर किस तरीके से चेंज आता है, ठीक है, तो इस चेंज को हम कैसे पता करेंगे। देखिए मोलर कंडक्टिविटी से फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमने यहाँ पर दिया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डायलेशन। तो दो चीज़ें हमने एक बार हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि कंडक्टिविटी जो होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। हमने बात की थी, याद होगा आपको, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इज डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस कैन इम्प्लाई फॉर द सेम दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो अगर ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया गया है, हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या है, देखो मैं एक बार इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने पिछली बार वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो रेजिस्टेंस हमने जो कहा था, हमने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये देखिए, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये डाइल्यूशन के प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है, एंड कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, ठीक है। तो यही चीज़ हमने दूसरे तरीके से कही है, सेम चीज़ जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। पहले क्या डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। क्यों है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन के, ये इसलिए कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीजेज विच कैन कैरी द करंट। अगर करंट को कैरी करने के लिए चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस अपने आप ही घट जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वर्स हैं एक दूसरे के सीधे तौर पर। तो अगर हमारे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से चार्ज पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं जो करंट को कैरी कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जब ये कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका घटेगा, ये रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। और अगर आपका आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन कम किया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन अगर बढ़ेगा तो डाइल्यूशन बढ़ने पर क्या होगा, सीधे तौर पे कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, कंडक्टिविटी आपकी जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और एट द सेम टाइम वी कैन से दैट डाइल्यूट करने पर रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स इनको आप देख सकते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन। क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच कैन कैरी द करंट आर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज करने वाले जो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाले चार्ज पार्टिकल्स आपकी अगर इंक्रीज होते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटेगा ही घटेगा। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। तो सीधे तौर पर अभी जो हमने पढ़ा कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के, और डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर इसमें हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की, यहाँ पर हम कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हुआ, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के बाई सी, ठीक है, यानी कि कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जैसे मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि एक मोल पर लीटर का जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, उसे हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का रिलेशन तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की, उसका वेरिएशन क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लैम्डा एम की। तो लैम्डा एम का जो वेरिएशन है वो इसमें देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। अब जो कंडक्टिविटी है वो तो डिक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के साथ, लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। ये देखिए ऐसे, ये देखो ये आपकी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो रही है। ये देखो, ये हमने देखा यहाँ पर किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो मोलर कनेक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों में अंतर है,
तो इसका मतलब कनेक्टिविटी और मॉलर कनेक्टिविटी दो अलग अलग चीज़ हैं और इनका वेरिएशन भी अलग अलग ढंग से होता है। अब हम यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये इतने वेरिएशन क्यों है। कनेक्टिविटी एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जो मॉलर कनेक्टिविटी है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। क्योंकि मॉलर कनेक्टिविटी कब इंक्रीज़ हो रही है, जब हम कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हैं यानी कि डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि डायल्यूशन, ठीक है, डायल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हम अगर हम बढ़ाएंगे तो डायलेशन आपका घटता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, नाउ वी कैन सी हियर, ओके, दिस मोलर कनेक्टिविटी व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो इनफाइनाइट डायलेशन इज कॉल्ड मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर। फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच कैन बी फुली आयनाइज्ड इन aqueous solution. For those strong electrolyte, lambda m, यानी कि molar conductivity, slowly increases with dilution, and there is a tendency for molar conductivity to approach a certain limiting value with the concentration approach at zero. It means, say for example, ये मान लीजिए हमारे पास ये हमने जो ये graph बनाया है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, lambda m, ठीक है, ये lambda m का है यानी molar conductivity, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये है आपका, ये एक्सिस है C स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी का, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ मोलरिटी। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये मान लीजिए स्टार्टिंग में यहाँ पर आपका ये KCL, मान लीजिए KCL इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ठीक है, पहले ये यहाँ पर था, इसका कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पर देखिए क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी स्क्वायर रूट ऑफ मोलिटी वो इतनी है, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर इसका आप देख सकते हैं कि इसकी मोलर कनेक्टिविटी कितनी है, ठीक है, वो इतनी होगी। ठीक है, ये इसकी मोलर कनेक्टिविटी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसका डायल्यूशन क्या कर रहे हैं, डायल्यूशन जैसे जैसे आप इसका बढ़ा रहे हैं, डायल्यूशन कैसे बढ़ेगा, देखो डायल्यूशन तो आपका इस तरफ बढ़ेगा ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपका इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो डायल्यूशन इस तरफ इंक्रीज होगा ना, डायल्यूशन आपका इस तरफ इंक्रीज होगा, ये दिस वे, इस तरफ आपका डायल्यूशन इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि डायल्यूशन कैसे इंक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो, ठीक है, तो डायल्यूशन आपने इंक्रीज किया इस तरीके से, जैसे जैसे आप डायल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मोलर कनेक्टिविटी की जो वैल्यू है ये लगातार इंक्रीज होती जा रही है। अब इसकी वैल्यू अगर लगातार इंक्रीज होगी तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये पॉइंट जो यहाँ पर रीच हुआ है, ठीक है, इस एक्सिस पे जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है यहाँ पे क्या कह लेती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो चुका है, यहाँ से डिक्रीज होते होते डायल्यूशन को हम बढ़ाते कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते करते यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो चुका है। जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाता है, ठीक है, लगभग अप्रोचिंग जीरो हो जाता है, तो उस कंडीशन पर मोलर कनेक्टिविटी आपकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कहलाती है। लिमिटिंग का मतलब जो आपकी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो मोलर कनेक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की हो सकती है, मान लीजिए ये हम बात कर रहे हैं KCL की, ठीक है, तो ये तो जनरलाइजेशन किसके लिए, ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जनरलाइजेशन। ठीक है, तो वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मोलर कनेक्टिविटी है वो आपका लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो होता है। ठीक है, ये तो इस मोलर कनेक्टिविटी को हम किसी कॉन्सेंट्रेशन पर, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर मेजर कर सकते हैं। उसमें अगर हमें मान लीजिए हम जैसे पहले इसकी बात की हमने, देखिए जैसे हम यहाँ पर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है, मान लीजिए हम इस कॉन्सेंट्रेशन या इस कॉन्सेंट्रेशन या इस पे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में इस पूरी उसमें, चाहे यहाँ पर मेजर करें चाहे यहाँ पर मेजर करें यहाँ पर मेजर करें, किसी भी पॉइंट पर हम अगर इसे मेजर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, और उस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को यहाँ पर हमने रख दिया इस पॉइंट पर, अगर हम रखते हैं इस फॉर्मूला में, और अरेनियस एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ये एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट अरेनियस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये अरेनियस कॉन्स्टेंट नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट में ये कॉन्स्टेंट यूज किया जाता है, ये क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, और इसमें देखिए अगर ये मोलर कनेक्टिविटी अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हमें उसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी पता है और उसका ये कांस्टेंट अगर हमें पता है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर इससे मेजर कर सकते हैं, देखें, ठीक है,
अगर हम यहाँ पर कहीं पर किसी भी पॉइंट पर अगर कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, ठीक है, और ए हर इलेक्ट्रोलाइट का फिक्स होता है, हर पर्टिकुलर टाइप का इलेक्ट्रोलाइट का फिक्स होता है ए वैल्यू, ठीक है, KCl के लिए भी फिक्स होगा कोई, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ से पता कर लेंगे एक्सपेरिमेंट से कि किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के दौरान वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ए भी कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो यहाँ पर इस फॉर्मूला की हेल्प से आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सॉरी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। तो ये तरीका है ठीक है इसे पता करने का। और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, वैसे यहाँ पर लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन पर ये जो टोटल वैल्यू है ये तो जीरो हो जाएगी और फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, ये जो फार्मूला है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी टू द पावर हाफ, अब यहाँ पे सी तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, सी तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, जो भी यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हमें सी मिल सकता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पता करेंगे, अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो ये हम यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी टू द पावर हाफ हमें यहाँ पर इस वैल्यू से मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पर है दूसरी चीज़ है ए, ठीक है, अब ए हमें कहाँ से मिलेगा, ए के लिए हम यहाँ पर देखेंगे ए इक्वल टू माइनस स्लोप, अब ये स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे पता करते हैं, ये देखिए यहाँ पर राइज एंड रन, ठीक है, यानी कि जैसे ये मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, अब यहाँ पर डेल्टा वाई कितना चेंज आया यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वाई टू, ये वाई वन, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन करके ये हमारा हो गया एक्स टू, ये हमारा हुआ एक्स वन, तो बस इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है कि चेंज, हम चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मेजर कर लेंगे कितना यहाँ पर ये चेंज हुआ है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ से भी हम मेजर कर सकते हैं इसको ऐसे में, ये इस तरीके से, ये मान लीजिए ये हमने अगर इसको डाइल्यूट किया है तो x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको हम मान लेंगे यहाँ पर ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, पहले यहाँ पर कितना है ये हो गया हमारा y1, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा y2, ये y1 y2 इस तरीके से हम इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। और इसे मेजर करने के बाद हम यहाँ पर राइज बाय रन करके स्लोप हम पता कर लेंगे, स्लोप जैसे पता चल जाएगा हमें उसके आगे हम माइनस लगा देंगे और उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और डेल्टा एम नॉट कहाँ से मिलेगा, ये हमारा इंटरसेप्ट से मिलता है, लैम्डा एम नॉट इंटरसेप्शन, ये हमारा इंटरसेप्टिंग पॉइंट है। तो अगर हम इस लाइन को आगे फॉरवर्ड बढ़ाएंगे, प्रोसीड करते हैं, तो हमें लैम्डा एम नॉट मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूला से और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन डिटरमिन मोलर कंडक्टिविटी, ओके। बट दिस इज डन ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट वी अप्लाई डिफरेंट मेथड, ओके। सो फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट हाउ टू डिटरमिन मोलर कंडक्टिविटी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक, ओके। तब तक आप इस वीडियो को समझें, ठीक है, कोई भी इसमें डाउट हो और तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।